बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ चेंज। हमने इनिशिएटिव्स की बात की, हमने तौबा की बात की, हमने ज़िक्र की बात की, हमने अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत की बात की। एक इनिशिएटिव वो भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में लिया करते थे, और वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ आंधी की तरह अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया करते थे। सदका करना, और सदका इस तरह से करना कि उसको छुपाना। एक तो आम सदका आप करते हैं, लेकिन सदका इस तरह से करें, वराजुलुन तसद्दका बिसदकातिन फअख्फाहा हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुन्फिकु यमीनुहु। कल क़यामत वाले दिन वो खुश नसीब जिनको अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा, वो लोग होंगे जिनका दायां हाथ जब अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि उसने खर्च किया है। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइलि वल महरूम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह वाले वो लोग हैं जिनके माल में हक होता है, सवाल करने वाले के लिए भी, वल महरूम और सफ़ेद पोश के लिए भी। हमारे एक उस्ताद गरामी सऊदी अरब में वो एक वाक़या बयान करते हैं कि एक आदमी वो दमाम में रहता था, और उसको रात को ख्वाब आई, और ख्वाब में बिशारत दी गई कि रियाज में एक इंसान रहता है, उसका नाम ये है, उसके घर का नंबर ये है, जाओ और जाकर उसे जन्नत की बिशारत दे दो। अगले दिन फिर यही ख्वाब आया, उससे अगले दिन फिर यही ख्वाब आया। वो इंसान खसूसी तौर पर दम्माम से 300 किलोमीटर का सफ़र करके रियाज गया, उसको ढूंढा, तलाश किया, और कहा कि मुझे मुसलसल तुम्हारे बारे में ये ख्वाब आ रहा है। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसका भी शुक्रिया अदा किया। वो इंसान वापस चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद उसका दोबारा किसी काम की गरज से रियाज वापस आना हुआ, तो उसने कहा मैं पता करूँ उस इंसान से कि उसका कौन सा ऐसा नेक अमल था जिसकी वजह से उसे दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली है। जब दोबारा उसके घर आया तो पता चला वो इंसान फौत हो गया है। उसने उसके घर वालों से, उसके दोस्त अहबाब से पूछा इसका कौन सा ऐसा ख़ास अमल था, वो कौन सा काम था जो करता था जिसकी वजह से उसको दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली है। उसके घर वालों ने कहा एक मामूली सा आदमी था, कोई ख़ास काम नहीं करता था, कोई नेकी का ख़ास काम उसके रोज़मर्रा की रूटीन में हमें नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक बात जिसका हमें पता है कि जब भी महाना तनख्वाह उसको आती थी तो उसके जो साथ वाले हमसाए थे उसमें खातून रहती थी और वो बेवा थी, तो ये इंसान अपनी तनख्वाह को दो हिस्सों में तकसीम करता, आधी तनख्वाह उस बेवा को दे देता और आधी तनख्वाह अपने लिए रखता। हल्लक सिरुन इंदल्लाह बैनक अंत व बैनल्लाह। क्या आपके पास अल्लाह ताला के लिए कोई ऐसा राज है, कोई नेकी का ऐसा राज है जो सिर्फ अल्लाह और आपके सिवा और कोई नहीं जानता? रमज़ान इस मंथ ऑफ चेंज, इस माह में सदका कीजिए और सदके को छुपाइए। ये छुपा हुआ सदका कल क़यामत वाले दिन आपके लिए नूर बन के उभरेगा।